प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में सांसद खेल महाकुंभ के दूसरे चरण का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कार्यक्रम में शामिल हुए। बस्ती के लोकसभा सांसद हरीश द्विवेदी बीते 2 साल से इन खेलों का आयोजन कर रहे हैं। खेल महाकुंभ का दूसरा चरण 18 से 28 जनवरी तक आयोजित होगा। इसमें कबड्डी, खो खो, बास्केटबॉल, फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल, हैंडबॉल, शतरंज, कैरम, बैडमिंटन, टेबल टेनिस जैसे इंडोर और आउटडोर खेलों का आयोजन किया जाएगा। खेल महाकुंभ के उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए बस्ती से एवन संवाददाता सबलू खान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबलू, खेल महाकुंभ का वर्चुअली उद्घाटन हुआ है, किस तरह से खेलों की शुरुआत हुई है? जी सर, मैं बताना चाहूंगा कि बस्ती जिले में यहाँ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है रिमोट का बटन दबाकर जो है खेल सांसद खेल महाकुंभ का उद्घाटन किया गया है। और यहाँ पर जो है खो खो की एक प्रतियोगिता रखी गई थी जी, जो बच्चों ने खेली और उसका जो है आनंद प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी उठाया और काफी जो है उत्साह के साथ जो है लोगों ने जो है इस खेल प्रतियोगिता का जो है आनंद लिया। और उसके बाद मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी का संबोधन हुआ। ऋषभ, बहुत बहुत शुक्रिया सबलू। तो ये थे बस्ती से एवं सबलू खान जो इस कार्यक्रम को लेकर जानकारी हमारे साथ साझा कर रहे थे। तो खेल महाकुंभ का दूसरा चरण 18 से 28 जनवरी तक आयोजित किया जाएगा और इस खेल का शुभारंभ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है और कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे।